गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, टॉपिक चल रहा था हमारा स्टैंडर्ड पोस्टिंग और टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड तक हो चुका था, है ना। उसके बाद देखिए मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड जो है वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे डिटरमाइन किए जाते हैं। तो हम जितने भी एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, दे आर थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटेरियल में अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की, तो दे आर टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड जो हमें डिटरमाइन करने होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहला डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए, फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए कितना मटेरियल आपको चाहिए, है ना। सेकेंड होता है डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, कि व्हाट शुड बी द प्राइस, कि जो प्राइस हो वो किस तरह से सेट हो। तो अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी डिसाइड करने में हमें ये देखना होता है कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा डेवलप किया गया है। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है मटेरियल की, वो क्या है, वो पहले डिटरमाइन करनी होती है। नॉर्मल वेस्टेज भी फिक्स करनी होती है, नॉर्मल वेस्टेज निकालनी होती है, और साइंटिफिक एनालिसिस करके फिर हम पास्ट रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखते हुए और साइंटिफिक एनालिसिस को भी ध्यान में रखते हुए क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। सेकेंड अगर बात करें हम प्राइस की, तो जो प्राइस है उसके लिए हमें जो है वो कोस्ट अकाउंटेंट से भी कोलैबोरेट करना होता है, परचेज ऑफिसर से भी कोलैबोरेट करना होता है, कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। मार्केट कंडीशन को एनालाइज़ करने के बाद या प्राइजेज की फोरकास्टिंग होती है, उसके बेस पर ही स्टैंडर्ड प्राइस सेट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप से ही कह दिया जाएगा कि मटेरियल के प्राइस इतने होंगे। सारी सिचुएशन देखी जाएंगी मार्केट के भी, और जो पिछला कोस्ट अकाउंटेंट है उन्होंने जो कोस्ट निकाली है प्राइस की, वो भी पूछी जाएगी, और परचेज ऑफिसर से भी पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द मार्केट, उसके हिसाब से निकाला जाएगा। सेकेंड आता है डायरेक्ट लेबर। अब देखिए डायरेक्ट लेबर में भी उसी तरीके से दो स्टैंडर्ड हैं जो सेट करने हैं। एक तो लेबर की एफिशिएंसी, और वी कैन से वो कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, और एक कितनी वेजेस उनको पे की जाएगी। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर इनटू डिफरेंट ग्रेड्स, है ना। डिफरेंट ग्रेड्स में उसको किस तरह से क्लासिफाई करना है, एंड डिटरमिनेशन ऑफ देयर लेबर आवर, कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में उनको कितने घंटे लगने चाहिए, ये स्टैंडर्ड हो सकता है। सेकेंड डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस, कि उनके जो वेजेस के रेट हैं वो कितने होने चाहिए। अब जो हमारी लेबर है वो स्किल्ड भी हो सकती है, सेमी स्किल्ड भी हो सकती है, और अनस्किल्ड भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, और चाइल्ड लेबर भी हो सकती है। तो सबके लिए अलग अलग रेट फिक्स किए जाते हैं, या सबके लिए अलग अलग टाइम सेट किया जाता है कि वन यूनिट मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो इस तरह से स्टैंडर्ड सेट होते हैं डायरेक्ट लेबर के। और अगर हम बात करें ओवरहेड की, तो ओवरहेड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड और एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड है, जैसे कि आपको पता है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होता विद द स्केल ऑफ आउटपुट, आउटपुट को आप बढ़ाएं या कम करें फिक्स्ड ओवरहेड आपका चेंज नहीं होता, है ना। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर हैं जो प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ बढ़ते हैं और घटाने के साथ घटते हैं। तो वी कैन से फिक्स्ड ओवरहेड, तो अमाउंट फिक्स होता है चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करें, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंडिचर फिक्स होते हैं पर यूनिट या पर आवर में, है ना। जैसे ही आप यूनिट्स बढ़ाते हैं या आप घंटे बढ़ाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। तो इनके लिए भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। तो ये था कुछ टाइप्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कोस्ट एंड हिस्टोरिकल कोस्ट। तो आप दोनों टर्म से अवेयर हो कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कोस्ट एंड व्हाट इज़ हिस्टोरिकल कोस्ट। तो अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कोस्ट की, तो दीज आर एक्चुअल कोस्ट, ये एक्चुअल कोस्ट है, है ना। ये हिस्टोरिकल इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके बेस पर हम प्रोडक्शन की कोस्ट निकालते हैं जो एक्चुअल में हो चुकी है, या जो सर्विस है उसकी कोस्ट निकाली जाती है, है ना। तो इसी को हिस्टोरिकल कोस्ट कहा जाता है। बट स्टैंडर्ड कोस्ट वो कोस्ट होती है जो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में निकाली जाती है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है रिकॉर्ड एंड डिटरमिनेशन, कि स्टैंडर्ड कोस्ट इज़ डिटरमाइंड बिफोर एक्चुअल कोस्ट, या एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले निकाली जाती है, जबकि एक्चुअल कोस्ट जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद निकाली जाती है, उसके बाद ही डिटरमाइन होती है। सेकेंड डिफरेंस है रिलेशनशिप विद एफिशिएंसी, कि हिस्टोरिकल कोस्ट इंडिकेट करती है टोटल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन को या टोटल कोस्ट ऑफ सर्विस को, और इसका एफिशिएंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। जबकि जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट बेस है फॉर मेजरमेंट एंड वेरिएशन ऑफ एफिशिएंसी, कि व्हाट इट शुड बी। जैसे बताया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये बताता है कि ये होना चाहिए, और हिस्टोरिकल कोस्ट ये बताती है कि एक्चुअल ये हो चुका है। थर्ड वन आइडियल स्टैंडर्ड कोस्ट क्या है, आइडियल कोस्ट,
है ना, एक इज़ अ टारगेट ऑफ आइडियल कोस्ट अटेनेबल अंडर ए नॉर्मल कंडीशन और वी कैन से नॉर्मल सर्कमस्टांसिस. लेकिन जो हिस्टोरिकल कोस्ट है वो क्या है, रियलिटी कि जो एक्चुअल में हो चुका है. रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल कोस्ट ट्रेडिशनल कोस्ट का एक पार्ट है, जबकि जो स्टैंडर्ड कोस्ट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है. क्योंकि मैनेजर्स का जो ड्यूटी है, मैनेजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, डिसीजन लेना. उनका काम डिसीजन लेना है, तो वो उसके लिए एक टूल की तरह इसको यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड कोस्टिंग को. कंपल्शन, हिस्टोरिकल कोस्ट कंपल्सरी है ना, क्योंकि जैसे आपको पता है कंपनी लो बोर्ड ये बताता है कि जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या जो रजिस्टर्ड है कंपनी लो एक्ट के अंडर, उनको हिस्टोरिकल कोस्ट पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने उनके लिए ज़रूरी हैं. बट स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं है, है ना. स्टैंडर्ड कोस्टिंग आपकी ऑप्शनल है कि आप जो है वो प्री प्लान्ड करके, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, प्री प्लान्ड है, तो इस सिचुएशन में स्टैंडर्ड कोस्टिंग अप्लाई हो सकती है. इम्पॉर्टेंस, हिस्टोरिकल कोस्ट कैरीज इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज आपको पता है इट्स मैंडेटरी, बट स्टैंडर्ड कोस्ट इज़ कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कोस्ट कंट्रोल. अगर कोस्ट कंट्रोल करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड कोस्टिंग को एज ए टूल यूज़ करते हैं. उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कोस्ट एंड एस्टिमेटेड कोस्ट. तो इसको भी हम सिमिलर ले लेते हैं. हिस्टोरिकल कोस्ट और स्टैंडर्ड कोस्ट तो अलग है, लेकिन कुछ पर्सन ये मानते हैं स्टैंडर्ड कोस्ट और एस्टिमेटेड कोस्ट एक जैसी है, जबकि ये अलग है. स्टैंडर्ड कोस्ट वो कोस्ट है कि व्हाट इट शुड बी, व्हाट शुड बी द कोस्ट ऑफ मटेरियल या व्हाट शुड बी द कोस्ट ऑफ लेबर. बट एस्टिमेटेड कोस्ट ये बताती है कि अकॉर्डिंग टू सर्टेन सर्कमस्टांसिस, जो अब सर्कमस्टांसिस प्रेजेंट में प्रेवलेंट हैं उसके अकॉर्डिंग कोस्ट क्या होगी. तो ये हिस्टोरिकल कोस्ट पर बेस होती है, उसको कहा जाता है एस्टिमेटेड कोस्ट. तो बोथ आर कैलकुलेटेड बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले ही ये की जाती हैं. और इसका पर्पस, दोनों का ही पर्पस क्या है, कोस्ट को कंट्रोल करना. ऑलमोस्ट द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूज. ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं दो तीन. उसके बाद देखिए डिफरेंस दिया हुआ है. सबसे पहला है नेचर ऑफ कोस्ट, कि स्टैंडर्ड कोस्ट जैसे बताती है व्हाट द कोस्ट शुड बी, क्या होना चाहिए. जैसे आप कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स जो प्राइस सेल कर रहे हैं या जितना मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं उसकी कोस्ट कितनी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग होती है स्टैंडर्ड कोस्ट. बट एस्टिमेटेड कोस्ट ये बताती है व्हाट द कोस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू नॉर्मल और वी कैन से जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कोस्ट होगी. बेसिस ऑफ डिटरमिनेशन, एस्टिमेटेड कोस्ट का जो बेस होता है वो हिस्टोरिकल कोस्ट होता है, है ना. लेकिन जो स्टैंडर्ड कोस्ट है वो स्पेसिफिक साइंटिफिक एनालिसिस होता है, उसके बेस पर स्टैंडर्ड कोस्ट निकाली जाती है कि अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस ऑफ एफिशिएंसी ये कोस्ट आपकी होनी चाहिए. तो स्टैंडर्ड कोस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कोस्ट कंट्रोल करना एंड मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को मेजर करना. जबकि जो एस्टिमेटेड कोस्ट है उसका मेन पर्पस होता है सेलिंग प्राइस को फिक्स करना, कोई ऑर्डर आया हुआ है उसको लेना है या नहीं लेना, है ना, कोई प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करना या नहीं करना, या बाय करें, या कोई टेंडर आया है तो उसके प्राइस को कोट करना, ये इसका पर्पस हो सकता है. अब अगर बात करें एप्लीकेबिलिटी की, तो स्टैंडर्ड कोस्ट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड. अगर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं तो सिचुएशन में ही स्टैंडर्ड कोस्टिंग यूज़ होती है, जबकि एस्टिमेटेड कोस्ट किसी भी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं. स्टैंडर्ड कोस्ट एक ऐसी कोस्ट है जो साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड है ना, और इट इज़ मोर एक्यूरेट और रिलायबल. जबकि जो एस्टिमेटेड कोस्ट है ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, कम रिलायबल है. रिवीजन, स्टैंडर्ड कोस्ट जनरली जल्दी से रिवाइज नहीं की जाती, जबकि एस्टिमेटेड कोस्ट कंडीशंस या सर्कमस्टांसिस के चेंज होने के साथ साथ चेंज की करनी पड़ती है. तो वी कैन से स्टैंडर्ड कोस्ट स्टैटिक होती है देन एस्टिमेटेड कोस्ट. स्टैंडर्ड कोस्ट को तभी रिवाइज किया जा सकता है जब इसको गलत या वी कैन से इनकरेक्टली जो है वो सेट किया गया हो या इसके अंदर कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम हो, तभी इसको रिवाइज किया जाता है. तो ये था कुछ डिफरेंस, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है.